देखिए आज हमने मूली के पकौड़े बनाकर तैयार किए हैं। देखिए आप कितने अच्छे फूले फूले पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं, और ये जितने सुंदर दिख रहे हैं खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट लगते हैं। ये पकौड़े फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं आप इसे। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। आज हम बनाएंगे मूली के पकौड़े। छोटा सा वीडियो है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं मूली के पकौड़े। मूली के पकौड़े बनाने के लिए देखिए हमने मूली लिया है। सबसे पहले हम इसे छील लेते हैं, इसका छिलका हटा लेते हैं और इसे गोल स्लाइस में कट कर लेंगे, पतले पतले स्लाइस में कट कर लेते हैं। देखिए मूली को हमने छील कर इस तरह से पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया, ऐसे देखिए इसके पतले पतले से स्लाइस कर लिए हैं, अच्छी तरह से धो भी लिया इसे। तो चलिए बैटर बनाते हैं पकौड़े के लिए। देखिए एक बाउल ले लिया हमने, इसमें डालेंगे हमने बेसन लिया है 1 कटोरी, इसे डाल लेते हैं। साथ में डालेंगे ये हमने चावल का आटा लिया है, बहुत थोड़ा सा चावल का आटा डालने से पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें सूजी डाल दीजिए। ये हमने अजवाइन लिया है, इसे इस तरह से रगड़ कर डाल लेंगे। अब डालेंगे हींग, नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, जीरा 1 चम्मच, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब सारी चीज़ों को मिला लेते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और पकौड़ों के लिए घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। बैटर बना लेना है। देखिए मिला लिया सारी चीज़ों को, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और मिला लेते हैं, घोल बना लेते हैं। घोल हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है। देखिए मिला लिया हमने सारी चीज़ों को, अच्छी तरह से मिलाकर इस तरह से बैटर बना लिया। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरह से चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, एकदम सही है ये पकौड़े बनाने के लिए। तो घोल बनकर तैयार है, चलिए पकौड़े बनाते हैं। देखिए पकौड़े फ्राई करने के लिए हमने तेल गर्म होने रख दिया था, तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। देखिए इस तरह से स्लाइस डालेंगे बैटर में और इसे इस तरह से बैटर में डिप करके ऐसे ऐसे हमें डाल लेना है। इस तरह से डिप करते जाएंगे बैटर में और इस तरह से ऑयल में डाल लेंगे इस तरह से। देखिए डाल लिया हमने, ये थोड़े सिक चुके हैं तो इस तरह से इन्हें पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से ऐसे पलट कर इन्हें दोनों तरफ से अच्छी तरह से करारे होने तक सेक लेंगे इस तरह से। बस अब सेकने देते हैं, अलटते पलटते रहेंगे और अच्छी तरह से सेक लेंगे। देखिए कैसे फूल रहे हैं ये पकौड़े, हमने इसमें बेकिंग सोडा या कुछ और भी बिल्कुल भी नहीं डाला है, लेकिन बहुत फूल फूल कर तैयार हो रहे हैं ये पकौड़े, बहुत अच्छी तरह से फूल रहे हैं। देखिए अच्छी तरह से सिक चुके हैं तो निकाल लेते हैं इन्हें। देखिए आप कितने अच्छे पकौड़े बने हैं, कैसे फूल फूल कर तैयार हुए हैं ये पकौड़े, इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी के पकौड़े भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म मूली के पकौड़े बनकर तैयार है, एकदम क्रिस्पी करारे मूली के पकौड़े। देखिए आप कितने अच्छे पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं, गोल गोल से फूले फूले से पकौड़े। चाय के साथ कुछ चटपटा खाने का मन हो, कुछ गर्मा गर्म खाना हो तो इस तरह से मूली के पकौड़े बना लीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। तो मूली के पकौड़े का ये वीडियो आपको अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।